हेलो एंड वेलकम टू ग्रैड स्कूल दिस इज़ किरण और आज हम आपके टेंसेस टॉपिक का जो है सेकंड पार्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट में वी हैव सीन सिंपल प्रेजेंट टेंस उसके रूल्स क्या हैं और कुछ कंडीशंस देखी थी सो टुडे वी विल स्टार्ट विद प्रेजेंट कंटीन्यूज एंड एंड विद परफेक्ट टेंस सो so, अगर अभी तक आपने मेरी फर्स्ट वाला पार्ट इस वीडियो का नहीं देखा तो आपकी स्क्रीन पे जो आईबॉल है आप उस पर क्लिक कीजिए आपको इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो सो वी हैव सीन द रूल फॉर सिंपल प्रेजेंट सो टुडे वी विल सी द रूल फॉर प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस कंटीन्यूस टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव टेंस सो

नाउ अगर इसी में ही आपको नेगेटिव बनाना है प्रेजेंट कंटीन्यूज नेगेटिव में बनाना है देन यू विल यूज सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्क प्लस ऑब्जेक्ट ये होगा आपका नेगेटिव में इंटेरोगेटिव फॉर्म करोगे तो कैसे करोगे इज़ एम आर आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिमिलरली इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सो दैट इज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ एंटारोगेटिव राइट सो अब हम देखेंगे वट आर द कंडीशंस वेर वी अप्लाई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सो जो भी एक्शन बोलते वक्त हो रहा है एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कम्स इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलते वक्त जो एक्शन हो रहा है वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ तो मैं बोलते हुए आपको इंग्लिश टीच कर रही हूँ अभी तो जो सन जो काम बोलते वक्त हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूज में आता है बट देर आर सम इवेंट्स जो बोलते वक्त हो तो रहे हैं पर आप उनको नोटिस नहीं कर पाते फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे और अब अब आपको ये ऑब्जर्व तो नहीं होता कि कितनी इंक्रीज हो रही है हाँ हो रही है लेकिन कितनी हो रही है ये आप देख नहीं सकते तो ऐसे इवेंट्स जो बोलते वक्त हो रहे हैं बट यू कैन नॉट सी देम उनको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूज़ में रखते हैं पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे सेकेंड एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कोस्टल एरियाज आर गेटिंग समर्ज सेकेंड एग्जाम्पल कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमस्ट तो ये तो थी आपकी सेकेंड कंडीशन जिसमें आप प्रेजेंट कंटिन्यूज लगाते हो थर्ड कंडीशन जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूज यूज करते हो वो है इवेंट दैट विल टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर बिल्कुल अब जैसे कल ही कोई काम करना है आपने तो आप उसमें सिंपल प्रेजेंट नहीं लगाओगे आप ऐसे टेंसेस आप ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट कंटिन्यूज में रखोगे जो भी काम आपने नियर फ्यूचर में करना है उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में रखते हो फॉर एक्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू मुंबई टमोरो तो टुमोरो तो ज्यादा दूर नहीं है दैट इज नियर फ्यूचर इवेंट तो ऐसे सेंटेंसेस जो नियर फ्यूचर में होने होते हैं उन्हें हम प्रेजेंट कंटीन्यूस में रखते हैं अब अगर एक ऐसा एक्शन है जिसमें आपकी डेली रूटीन है तो आप उसको सिंपल प्रेजेंट में रखते हो मैंने कल भी बताया था आपको उसको आप कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं रखते लेकिन अगर कोई काम आपकी टेम्परेरी रूटीन है तो आप उसको प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस में रखोगे आई रिपीट अगर कोई काम आपकी डेली रूटीन का है तो आप उसको रखते हो सिंपल प्रेजेंट में लेकिन अगर आपका वो काम टेम्परेरी रूटीन है मतलब आप फॉर अ टाइम बिंग करोगे बाद में छोड़ दोगे तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं आप उनको रखते हो प्रेजेंट कंटिन्यूज में फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नाउ अ डे तो मतलब मैं आज कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूं जब मेरा क्लियर हो जाएगा मैं छोड़ दूंगी तो ये एक टेम्परेरी रूटीन हो गई ना आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नाउ अ डे सेकेंड एग्जाम्पल आप लिख सकते हो माई फादर वर्क्स इन अ बैंक एंड माई ब्रदर स्टडीज इन अ स्कूल अब यहां पे देखिए मैंने यूज किया माई फादर वर्कस इन अ बैंक वर्किंग ने यूज किया मैंने क्योंकि ये फ़ादर की डेली रूटीन है माय फादर वर्क्स इन अ बैंक एंड माय ब्रदर स्टडीज़ इन अ स्कूल यहाँ पे मैंने स्टडीज़ यूज़ किया सिंस ये डेली रूटीन्स है इसीलिए यहाँ पे हमने सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया और अगर यही टेम्परेरी रूटीन होती फॉर अ टाइम टाइमिंग बैंक में काम करना होता तो मैं लगाती हूँ माई फादर इज़ वर्किंग इन अ बैंक एंड माई ब्रदर इज़ स्टडिंग इन अ स्कूल ठीक है अगर ये टेम्परेरी होता तो तो सिंस ये तो एक डेली की रूटीन है बैंक में काम करना और स्कूल में स्टडी करना तो दे विल कम अंडर प्रेजेंट सिंपल टेंस नेक्स्ट जो टेंस है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लगाते हो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क प्लस ऑब्जेक्ट कब यूज़ करते हैं हम पहले तो आप इसके जो है नेगेटिव फॉर्म देख लीजिए पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगता है इसी को अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये होगी नेगेटिव फॉर्म इसी को आपने इंटेरोगेटिव में बनाना है तो आपका जो हैज़ हैव है वो आगे आ जाएगा हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दो बाकी सारा सेम रहेगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट

तो पीछे वर्ड ही दे दिया रिसेंटली तो ये कहाँ किस टेंस में आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा देन दूसरी कंडीशन जहाँ पे आप इसको यूज़ करते हो वो होती है अगर आपका एक्शन इम्पॉर्टेंट है लेकिन टाइम ऑफ एक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है मतलब टाइम मैंशन नहीं किया गया तो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखोगे जैसे कि वी हैव रीच्ड द मून वी हैव रीच्ड द मून अब भारत मून तक पहुँच गया लेकिन मैंने यहाँ पर कहीं पर भी टाइम मैंशन नहीं किया कब पहुँचा ठीक है लेकिन एक्शन तो इम्पॉर्टेंट है ना टाइम नहीं दिया हुआ तो ऐसे जो एक्शन हैं उन्हें हम रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में और एग्जाम्पल जैसे साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस साइंस ने हमें बहुत नई नई इन्वेंशन दी है ना ये कब दी है टाइम नहीं मेंशन लेकिन वो दे चुका साइंस हमें बहुत सी इन्वेंशनस दे चुका तो काम है वो हो चुका है टाइम मेंशन नहीं है तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं अब इसी को ही मैं एक चेंज फॉर्म में आपको बताती हूँ अगर मैं ये साइंस वाला जो सेंटेंस मैंने बोला इसको ऐसे बोलूँ साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस इन द नाइन्टीन सेंचुरी तो इसमें आप गलती बताओ मैंने बोला साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस इन नाइनटीन्थ सेंचुरी तो अब यहाँ पे मैंने टाइम मेंशन कर दिया तो टाइम मेंशन है तो ये तो पक्की बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं आएगा अगर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा तो कौन सा टेंस आएगा यहाँ पे जब कोई इवेंट पास्ट में ख़त्म हुआ प्लस आपको उसका टाइम दिया हुआ है तो आप ऐसे सेंटेंसेस को सिंपल पास्ट टेंस में रखते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं रखते आई रिपीट अगर कोई इवेंट पास्ट में हुआ और उसका टाइम मेंशन है तो आप सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करोगे प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ नहीं करते प्रेजेंट परफेक्ट हम तब भी यूज़ करेंगे जब कोई इवेंट पास्ट में ख़त्म हुआ रिसेंटली पास्ट में ख़त्म हुआ है लेकिन उसका जो टाइम है वो मेंशन नहीं किया गया तो अब आपको कुछ कीवर्ड्स देती हूँ जिनको देख के आप झट से पहचान लोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही लगना है फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर सेंटेंस में आपको मिल जाए यूजली तो आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाओगे रिसेंटली Already, yet, so far. अगर आपको पूरी इंग्लिश में कहीं पे भी किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स मिल जाए तो आंख बंद करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा देना जो ये येट है ये ध्यान रखना कि ये नेगेटिव सेंस देता है बाकी सारे जो हैं वो पॉजिटिव सेंस देते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलू ही हैज नॉट रीच्ड होम यट तो येट लगा है देखते ही पता चल गया एक तो सेंटेंस नेगेटिव सेंस देगा और दूसरा ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा तीसरा जो जो नेक्स्ट आपकी रूल है एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार मार्क कर लेना इसको अगर आपको किसी सेंटेंस में सेंस मिले सेंस दिखाई दे तो अगर सेंस के बाद एग्जेक्ट बाद सिंपल पास्ट टेंस है कौन सा टेंस है सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है तो सिंस के पहले जो टेंस यूज हो रहा होगा वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा आई रिपीट सिंस के एग्जैक्ट बाद अगर सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है तो सिंस के पहले जो टेंस यूज होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा फॉर एग्जाम्पल आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया आई हैव नोट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया यहाँ पर नोट करो सिंस के एग्जैक्ट बाद सिंपल पास्ट है सेकेंड फॉर्म लगी हुई है और सिंस के पहले जो है वो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाया हैज या है वाला रूल लगाया है ठीक है अगर यही सेंस बिल्कुल बिगिनिंग में आ जाए तो अगर ये सेंस सेंटेंस की स्टार्टिंग में है और इसके बाद क्या आएगा आपका वही सिंपल पास टेंस रहेगा और दैट विल बी फॉलोड बाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ सिंस ही ज्वाइंड द आर्मी ही हैज नॉट टेकन एनी लीव तो सिंस ही ज्वाइंट द आर्मी सिंस के एग्जैक्ट बाद क्या लगाया सिंपल पास्ट सिंस ही ज्वाइंट द आर्मी तो सिंस के बाद सिंपल पास्ट ही हैज नॉट टेकन एनी लीव तो मैं बोल रही हूं टेकन मतलब मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रही हूं हैज के साथ दैट मीन्स ये है आपका प्रेजेंट परफेक्टेंस तो दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर उम्मीद करती हूं आपको समझ में आया होगा डो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ग्रैड स्कूल फॉर द लेटेस्ट आप